है ना, उससे दुगनी ट्रेड भारत के साथ चीन करता है, भारत के साथ हर साल हमारी 125 अरब की ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हल्के में ले सकता है। को बता दें कि चीन की सरकार देश से इस्लामिक पहचान को मिटाने में जुट गई है। चीन मुसलमानों के पश्चिम हिस्से में एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। मस्जिद को टॉयलेट बनाना, कब्रिस्तान की जगह फैक्ट्री खड़ी करना, मजार के ऊपर पार्किंग लॉट बनाना या मॉडल को नजरबंद करना, ये सारे कदम उठाकर चीन असल में शिनजियांग की ऐतिहासिक पहचान को पूरी तरह मिटा देना। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने उइगर मुस्लिमों के क्रूर दमन के बाद अब देश में मौजूद पुरानी मस्जिदों को तोड़ना शुरू कर। आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। चाइना में जो चीनी बेसिकली जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर रहता है चीन का। हालांकि ये बहुत नई न्यूज़ नहीं है, इस तरीके की न्यूज़ चीन से हर वक्त आती रहती है। बट चाइना एक इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी, और दुनिया में उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि शायद उनके खिलाफ कोई भी कंट्री कुछ कहने के ताकत ना रखे, स्पेशली मुस्लिम कंट्री जो चाइनीज़ की पार्टनर है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सरकार ने उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के बाद अब देश की मस्जिदों को तोड़ना शुरू कर दिया है। चीन के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ा, वरना हम इसे तोड़ देंगे। आपको बता दें कि चीन की सरकार देश से इस्लामिक पहचान को मिटाने में जुट गई है। चीन मुसलमानों चीन की शी जिनपिंग सरकार ने उइगर मुस्लिमों के क्रूर दमन के बाद अब देश में मौजूद पुरानी मस्जिदों को तोड़ना शुरू कर दिया है। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में मुस्लिम बहुल इलाकों में एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ा जाना है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस और स्थानीय मुस्लिमों के बीच मस्जिद को लेकर झड़प हुई और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस और स्थानीय नागरिकों के बीच बहस और झड़प चल रही है। बताया जाता है कि ये मस्जिद कई सौ साल पुरानी है, लेकिन चीनी सरकार इस मस्जिद के गुंबद को तोड़ना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान, कतर, तुर्की समेत तमाम इस्लामिक देशों ने चुप्पी साध। वॉशिंगटन स्थित उइगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट का दावा है कि 2016 से 2019 के बीच शिनजियांग में 10 से 15,000 मस्जिदों, दरगाहों, मजारों और अन्य धार्मिक स्थलों का नामोनिशान चीन ने मिटा दिया। कहा जाता है कि चीन ने शिनजियांग की 70% मस्जिदों को तोड़ डाला। पिछले 6 सालों में शिनजियांग में मुसलमानों के 45 कब्रिस्तान खत्म कर दिए गए, इनके ऊपर पार्किंग, पार्क या प्लॉट बना दिए गए। शिनजियांग के होतान शहर की एक पुरानी मस्जिद की जगह एंटरटेनमेंट सेंटर बना दिया गया। वहीं इलीची कस्बे में पुरानी मस्जिद की जगह फैक्ट्री खड़ी कर दी गई, ऐसा बताया जाता है। चीन का यूनान प्रांत उइगर मुस्लिमों का गढ़ है, जो अब चीन की सरकार के निशाने पर है। चीन के राष्ट्रपति का साफ निर्देश है कि देश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनका चीनीकरण किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस्लामिक देशों की बोलती इस वक्त क्यों बंद हो गई, जो पाकिस्तान, कतर, कुवैत समेत तमाम देशों ने इस घटना। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि बीते दशकों में बड़ी संख्या में चीनियों ने शिनजियांग का और पलायन किया है। इसका मकसद यहाँ उइगर मुसलमानों की आबादी को कम करना है और वहाँ बहुसंख्यक समुदाय को बसाना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शिनजियांग प्रांत में उइगरों के साथ तालिबानियों की तरह अत्याचार किए जाते हैं, उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों विशेषज्ञों ने चीन में उइगर मुसलमानों को कथित तौर से बंदी बनाने और जबरन मजदूरी करवाने को लेकर चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र ने चीन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन चीन इन बातों को लेकर अक्सर पल्ला झाड़ता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में बने डिटेंशन सेंटरों में उइगर मुस्लिम कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। इनमें यौन उत्पीड़न से लेकर लिंग आधारित हिंसा तक। अफगानिस्तान से भी निकाल लेते हैं, हम यहाँ से भी कर। चाइना इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। जो आर्या साहब ने बात करी, ठीक बात करी, आई एग्री विथ हिम। तो कहने की बात यह है कि चाइना की कंटेनमेंट सीपैक में भी होगी, मलाका में भी होगी, हर जगह। अब कौन कितना सक्सेसफुल होता है इसमें, चीन हावी हो जाता है, भारत हावी हो जाता है, अमेरिका हावी हो जाता है, वो तो आने वाली तारीख बताएगी। जितना सीपैक है ना, उससे दुगनी ट्रेड भारत के साथ चीन करता है, भारत के साथ हर साल हमारी 125 अरब की ट्रेड है।
तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हल्के में ले सकता है। तीसरी बात, जो औरिया साहब ने बोला ना कि अमेरिका यही चाहता है कि लोग खरीदें हथियार, जाहिर सी बात है अच्छे हथियार हैं, लोग खरीदेंगे और क्यों ना खरीदें, मतलब ठीक बात है, हम भी बेच रहे हैं, हमारा भी तेजस जहाज है जो लोग खरीद रहे हैं, हम भी हथियार बेच रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सिर्फ अमेरिका बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, रशिया भी बेच रहा है, अब इंडिया भी लग गया, इंडिया भी बेच रहा है। कहने की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी मुल्क की, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम अमेरिका से भी हथियार खरीदेंगे, हम रशिया से भी खरीदेंगे, चीन से इसलिए नहीं खरीदेंगे चीन के हथियार नकली है बिल्कुल, तो वी डोंट बिलीव, हमारे यहां कहते हैं चीन के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म, आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी चाइनीज मुसलमानों के बारे में, चाइनीज मुस्लिम बेसिकली आपको पता है कि ये जो हैं ये बिलोंग करते हैं मंगोलियन रेस से बिलोंग करते हैं, और ये ज़्यादातर जो हैं वो मतलब चाइना का जो वेस्ट इलाका है, ज़्यादातर क्या मतलब 99.99% वहीं पर है, जो चाइना का वेस्ट का इलाका है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अंडर मतलब डेवलप पार्ट है कंट्री का, चाइना का जो पश्चिमी भाग है जो पूर्वी भाग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, पश्चिमी भाग नहीं है डेवलप, तो यहाँ पर विद्रोह वगैरह भी होते हैं, और चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पूरी तरीके से मीडिया पर पाबंदी है, उनका खुद का सब कुछ है, वहाँ पर फेसबुक बैन है, वहाँ पर गूगल बैन है, वहाँ पर यूट्यूब बैन है, वहाँ पर ट्विटर बैन है, वहाँ पर व्हाट्सएप बैन है, सब कुछ बैन है, उनके सब खुद के स्वयं के टूल हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर चलती है। अगर वहाँ पर टिकटॉक अनबैंड है तो टिकटॉक चाइनीज़ वर्जन कुछ अलग ही रहेगा और दुनिया का टिकटॉक अलग ही रहेगा, ऐसा कुछ सीन रहता है चीन में। तो चीन से जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी तरीके की वो दुनिया तक पहुँचने में थोड़ा सा लगता है समय, और एक्यूरेटली पहुँचने में तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि एक्यूरेटली पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। तो ये जो मस्जिदों के वीडियो आते हैं ये लोकल्स द्वारा कहीं ना कहीं से क्लिक किए जाते होंगे, और ये बड़ी ही मुश्किल से VPN वगैरह यूज़ करके यहाँ वहाँ की कुछ चीज़ें यूज़ करके YouTube पर या दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज तक पहुँचाए जाते हैं, जिसके बाद ये आते हैं हमारे सामने। अब हमारे सामने आएंगे तो भारत एक ऐसी कंट्री है जो चाइना का एनिमी है, ऑब्वियसली एनिमी है, और एनिमी कंट्री हमारे लिए चीन, हमारे चाइना के साथ युद्ध भी हुआ है और बॉर्डर पर जो आपको पता है सब कुछ है, तो हम ऐसे में देखते हैं पाकिस्तान जैसी कंट्री जो चीन का अनऑफिशियल नाजायज़ बेटा है, और पाकिस्तान भी चीन का अपना पार्टनर कहता है, और हिमालय से ऊंचा, समुंदर से गहरा, शक्कर से मीठा, इस तरीके का डायलॉग मारा जाता है चीन पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर। तो चीन पाकिस्तान को अब क्या रिएक्शन देगा, जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक बार ये पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि आई डोंट नो द रियलिटी, और कश्मीर हो, बर्मा हो, और रोहिंग्या हो, कहाँ कहाँ के मुसलमानों के बारे में इन्होंने क्या क्या बातें की, बट चीन के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ये दोगलापन है पाकिस्तान और दुनिया के अलग अलग मुसलमानों का, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, क्या बोला जाता है चीन के ख़िलाफ़। हालांकि लोकल्स को पता है कि चीनी मुसलमानों को मार रहे हैं, चीनी कुरान को चेंज कर रहे हैं, चीनी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, बट जो लोकल्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते।